पीजी के साथ पीएचडी का मौका, यूजीसी को भेजा जाएगा प्रस्ताव, दाखिले के लिए नेट जेआरएफ नहीं होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं कविता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मौजूदा कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अब परास्नातक की पढ़ाई के साथ ही पीएचडी करने का विकल्प भी देगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में डीलिट भी दोबारा शुरू करने की तैयारी है। विद्या परिषद की बैठक में इस पर मोहर लगाई गई है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी कराई जाएगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी, व्हाट्स द मीन, यह एक अलग कोर्स है। शोध करने के इच्छुक छात्री इसमें दाखिला लेंगे। पीजी की जगह इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना होगा। हर विभाग में सिर्फ 5 ही छात्र होंगे। पीजी करने के दौरान ही एक मेंटर नियुक्त कर दिया जाएगा जो उनको पढ़ाई में गाइड करेगा और डिजर्टेशन प्रोग्राम तैयार करने में सहायता करेगा। इस कोर्स में दाखिला लेने के बाद पीएचडी करने वालों के पास नेट और जेआरएफ होना अनिवार्य नहीं है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। हालांकि अभी तक ऐसे कोर्स को यूजीसी की मान्यता नहीं मिली है। इसका प्रस्ताव यूजीसी में पास करने के लिए भेजा जाएगा। डीलिट दोबारा शुरू होगा। शिक्षकों और अन्य बाहरी शोधकर्ताओं को डीलिट करने का मौका दिया जाएगा। पीएचडी और 10 साल के अनुभव वालों को मौका मिलेगा। हर विभाग में एक विषय के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो डीलिट कर रहे स्कॉलर का हर 6 माह पर रिव्यू करेगी। पार्ट टाइम कोर्स, पार्ट टाइम पीएचडी में सरकारी अधिकारी, आर्मी अधिकारी, इंडस्ट्री के टॉप एग्जीक्यूटिव आदि को मौका दिया जाएगा। LU, दैट्स मीन लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं देगा। हर शिक्षक एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिक कोटे के तहत एक अन्य पीएचडी स्कॉलर को ले सकता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एज यूजुअल शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।